आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आज जुमेरात है। जुमेरात मतलब होती है थर्सडे। थर्सडे वाली रात बहुत अच्छी होती है, जैसे इंडिया में हमारी सैटरडे नाइट होती है क्योंकि कल छुट्टी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, आज का हमारा बोलने का टॉपिक है यूके, यूएसए और कनाडा के। पहले तो उन सब बंदों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ जिनको यूके, यूएस और कनाडा के जॉब मिले, जिनको ईमेल्स आ गए। बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे बंदों ने पूछा था, एक्चुअली मुझे भी आ गया है, कनाडा के जॉब भी आ गया है मुझको एक, तो मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे जॉब्स है एक्चुअली, मेरे ईमेल्स अगर मैंने देखा जाए तो बहुत सारे जॉब्स पड़े। अभी मैं सोच रहा हूँ यार किसको ज्वाइन करना है, मतलब इसको ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करना है, तो सबको कॉन्ग्रेट्स। और अभी ये भूत दिमाग से निकाल लो। ठीक है, पहले तो बात ये कि यूएस, यूएस यूके और ये जो कनाडा के जॉब्स हैं वो इस तरह से नहीं मिलते, उसका प्रोसेस सबसे अलग है दोस्तों। सबसे अलग मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब थोड़ा हार्ड प्रोसीजर होता है। ठीक है, जैसा दुबई का इजी प्रोसीजर है वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब फेक होता है, इसे इग्नोर करना है। इसे सिर्फ लोग पैसे निकालने के लिए तरीके है बस, आपसे पैसे कैसे निकालना है इसके लिए ये लोग कुछ भी तरीके अपनाते हैं, मतलब आपके भावनाओं के साथ ये लोग खेलते हैं। मुझे ये यूके का जॉब, कनाडा का जॉब 2010 को आया था, बहुत खुश हो गया मैं तो यार, यूके कनाडा का जॉब आ गया। फिर पता चल गया मुझको ये तो फ्रॉड है, क्योंकि वो ऐसे जॉब नहीं मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, उसका प्रोसीजर बहुत अलग होता है दोस्तों, मगर मेरी क्रिएटिव माइंड थी, मैं सोचता था ये बंदे क्यों करते हैं ऐसा, क्या ट्रिक क्या है इनके पास पैसे निकालने की। तो मैं देखता था, मैं फॉलो करता था, सर वो बोलते थे ये डॉक्यूमेंट भेज दो, भेज दिया। फिर तीन चार दिन बाद उनका मेल आता था, जल्दी नहीं करते वो लोग, फिर ये करना है वो करना है, फिर आपको पैसा भेजना पड़ेगा। फाइनली बात आती है पैसे, तो जॉब मिल गया, अच्छा अच्छा ऑफर देते आपको, जो आपने सपने भी में नहीं सोचा होगा कि आप सोच रहे हो इंडिया में अगर आपको 10,000 तनख्वाह है और आपको मिलती है डायरेक्ट 2,00,000 की जॉब, आपको लगता है यार सही है, ये तो बहुत अच्छा है, तो आपको लगता होगा सच है बहुत अच्छा होगा, मगर ये सिर्फ पागल बनाते हैं दोस्तों। हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, जो भी नेपाली है, श्रीलंका है, उन सबको जॉब की जरूरत होती है, और ये लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बंदे पैसे नहीं देते, मगर कुछ कुछ बंदे होते हैं उनको सही में लगता है यार शायद हो गया होगा, भेज दो पैसे। तो सबको मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कनाडा के जॉब्स, यूएस यूके के जॉब ऐसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ जिसको किसी को ये ईमेल्स आते हैं वो इग्नोर करे, उसको वहाँ पे होता है एक स्पैम, रिपोर्ट एड स्पैम कर दीजिए, रिपोर्ट एड फिशिंग कर दीजिए, ऐसे ईमेल को डिलीट कर दीजिए, या उसको रिप्लाई तो मत कीजिए उसको रिप्लाई। ठीक है, क्यों करते हैं बंदे ऐसे, काम ही नहीं है, काम नहीं है तो आसानी से पैसा कमाने उनको। ठीक है, ये बंदे, अभी आपको लगता होगा ये बंदे यूएस वाले ऐसे क्यों करते हैं, तो ये बंदे आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इस पर। अगर ईमेल कौन सा आपको आता है ना, तो उसका हम लोग आईपी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो ईमेल कहाँ से आता है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उस पर, तो वो बंदे है अफ्रीका से, नाइजीरिया से। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे पैसे का प्रॉब्लम होता है, तो ये लोग आसानी से पैसे निकालने के लिए ऐसे तरीके यूज करते हैं दोस्तों। तो आपको ऐसे कुछ आते होंगे कि आपको लॉटरी लग गई सर, इतना पैसा देना है, तो ये सब झूठ होता है दोस्तों। इसको लोग अभी आसानी से पैसे निकालने के लिए कुछ भी तरीके कर रहे हैं, तो आपको इससे बचना है। ठीक है, तो मैं तो बताता रहूंगा, आगे से कोई भी आपको यूएस यूके कनाडा का जॉब का ईमेल आता है तो उसे डिलीट कर देना है, उसको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि टेक गुरु तो जल रहा है, यूएस का जॉब मिल गया हमको तो ये बोल रहा है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों करते हैं लोग ऐसा,
करेंगे, क्योंकि अभी देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया में हमारे अभी अगर 10 साल पहले देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, अभी देखा जाए तो नुक्कड़ नुक्कड़ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। हर साल लाखों करोड़ों लोग इंजीनियरिंग करके बाहर पढ़ते, ठीक है। अभी की हालत में बताता हूँ दोस्तों, कितने इंजीनियर्स अगर बाहर पढ़ रहे हैं, मुझे पता नहीं है इंडिया का कंट्रोल कैसा है, मतलब ये जो इंडियन गवर्नमेंट हमारी है ये कैसे कंट्रोल करेगी, या उनको अगर इतने बंदे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए काम भी नहीं है, ये चिंदी जॉब करना पड़ता है कहाँ पे। बहुत सारे अभी मैं खुद बताता हूँ कितने बंदों को कि भाई कोर जॉब नहीं है, कोर जॉब फ्रेशर नहीं है, कोर जॉब ही नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारे मतलब कंट्री का प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी एक्चुअली ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है हमारे चैनल का, मगर मुझे दुख लगता है दोस्तों, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग किया था तब मतलब बहुत अच्छा था मतलब, मगर जब मैं बाहर पड़ गया तो रिसेशन आ गया था, ठीक है, और सैलरी भी नहीं है। तो फिर दिमाग में ये क्राइम्स आ जाते हैं लोगों के कि झट से पैसे कमाना है तो ये ऑनलाइन वाले फ्रॉड करो, फिर ऑनलाइन वाले ऐसे ईमेल भेजो। ये बंदे कहाँ से होते हैं, नाइजीरिया से होते हैं, अफ्रीका से होते हैं, कुछ कुछ बंदे तो इंडिया से ही ये कर रहे हैं कि आपको यूएस का जॉब मिल गया, ठीक है। तो बस ऐसे बंदों से दूर रहिए। आपको भी कोई मतलब कुछ कन्फर्मेशन हो तो मुझे तो ईमेल करिए, कमेंट्स भी करिए। और अब ये रुकेगा मंजर पता नहीं है, मतलब इतने सारे इंजीनियर बाहर निकल रहे हैं हर साल, मगर उतने जॉब हमारे पास नहीं है। फिर क्या हो जाता है, लोग ज्यादा काम कम, तो उस हिसाब से सैलरी भी इतनी हो जाती है। अभी मेरा देखो, मैंने जब इंजीनियरिंग किया था तो मेरे तमन्ना थी मिनिमम 20,000-25,000 का जॉब मिलेगा, किसी की भी तमन्ना होती है ना। इंजीनियरिंग किया है मतलब ये इंजीनियरिंग और डॉक्टर जो वर्ड है ना बहुत ऊंचे वर्ड होते हैं, तो सबको लगता है यार 25-30 हजार को सैलरी। मैंने स्टार्टिंग की थी 3,000, सही है। अगर मैं भी अगर ऐसा कुछ सोचता तो शायद मैं भी कुछ क्राइम कर देता आगे, मतलब क्राइम मतलब यार आसानी से पैसा कमाना है फिर कुछ तो करना पड़ेगा, मगर पॉजिटिव थिंकिंग करो, ओके। पॉजिटिव से ही आगे आदमी जा सकता है, निगेटिव से पैसा कमाओगे आप अगर वो टिकता भी नहीं है फिर सब खत्म हो जाता है, जो कमाया वो भी खत्म हो जाता है, जो आपके पास है वो भी खत्म हो जाता है। सो ईमानदारी से जो है वही कमाओ बस दोस्तों, बस दूसरी कुछ तमन्ना नहीं है। बातें तो बहुत सारी है मगर ये तो वीडियो सिर्फ ये यूएस यूके कनाडा के जॉब के लिए बनाया था, तो बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चलो बाय बाय।